गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से चित्तौड़गढ़ भाजपा में हर्ष उल्लास की लहर छा गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष सागर सोनी सहित नगर मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त किए। साथ ही भाजपा नगर मीडिया प्रमुख मनोज पारिक ने बताया कि गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले बहुमत से हर्षीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुजरात को एक झांकी है, राजस्थान अभी बाकी है। चप्पा चप्पा भाजपा और भाजपा जिंदाबाद के नारों से कलेक्ट्रेट चौराहे को गुंजमान करते हुए एक दूसरे को बधाई दी। वहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत से कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखते ही बन रहा था। पूरे देश में जो जोश और हर्ष का माहौल है, उसका एकमात्र कारण है गुजरात की जनता ने राष्ट्रवाद को वोट किया। पूरे देश में एक राष्ट्रवाद की लहर चली है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र जी मोदी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को मजबूत करने का काम किया है। मैं सर्वप्रथम तो गुजरात के सभी नागरिकों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और यह भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर पूरे देश में इसी तरह बहेगी और आने वाले समय में 2023 में राजस्थान में भी इसी तरह प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 2024 में पुनः हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विश्व में हमारा नाम ऊंचा करेंगे। इसी के निमित्त हमने आज कलेक्ट्रेट चौराहे पर पूरी भारतीय जनता पार्टी की नगर की टीम के साथ, नगर मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ हमने आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर जश्न और जोश के साथ हमने ये उत्सव